आपने सही पढ़ा, 15 अगस्त को तिरंगा फहराया नहीं जाता। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पूरा इंटरनेट और यूट्यूब इस जानकारी से भरा पड़ा है। इस जानकारी के अनुसार ध्वजारोहण और झंडा फहराना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ध्वजारोहण को अंग्रेजी में फ्लैग होस्टिंग कहा जाता है, जबकि झंडा फहराने को फ्लैग अनफर्लिंग कहा जाता है। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को ध्वजारोहण यानी फ्लैग होस्टिंग होता है, जबकि 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है यानी फ्लैग अनफर्लिंग होता है। इन दोनों चीजों में अंतर यह बताया जाता है कि 15 अगस्त को होने वाले ध्वजारोहण में झंडे को नीचे से ऊपर ले जाया जाता है और फिर फहराया जाता है, जबकि 26 जनवरी को झंडे को पहले से ही बिल्कुल ऊपर चढ़ाकर रखा जाता है और केवल रस्सी खींचकर फहरा दिया जाता है। इस ट्रेडिशन के पीछे यह तर्क मिलता है कि 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था, इसलिए झंडे को नीचे से ऊपर ले जाया जाता है, जबकि 26 जनवरी को केवल संविधान लागू हुआ था, इसलिए झंडा पहले से ऊपर था और उसे केवल फहराकर उत्सव मना लिया जाता है। राष्ट्रगान दोनों ही मौकों पर गाया जाता है। इस तथ्य को जांचने के लिए जब हमने पिछले कुछ वर्षों के 26 जनवरी और 15 अगस्त के वीडियोस देखे, जिनमें भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री झंडा फहरा रहे हैं, तो उनमें कोई अंतर समझ में नहीं आया। और अधिक रिसर्च के बाद पता चला कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया नामक एक पुस्तक में भारत सरकार ने झंडे को फहराने से संबंधित सारे रूल्स लिखे हुए हैं। इस पुस्तक में सन 2022 में कुछ संशोधन भी किए गए थे। अंग्रेजी में लिखी इस पूरी पुस्तक में हमारे राष्ट्र ध्वज के नापतौल, रंग, फहराने के समय, फहराने के तरीके और तिरंगे के सम्मान से संबंधित बहुत सी जानकारी मिली, किंतु हमें फ्लैग होस्टिंग और फ्लैग अनफर्लिंग का अंतर बताने वाला कोई तथ्य नहीं मिला। शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो होस्टिंग शब्द का अर्थ ऊपर ले जाना, ऊपर उठाना या लटकाना होता है। होस्टिंग के लिए जो हिंदी शब्द प्रयोग होता है वह है आरोहण। ध्वज और आरोहण को जोड़कर ही ध्वजारोहण बनता है। आरोहण का शाब्दिक अर्थ है चढ़ना या ऊपर उठना। दूसरी तरफ अनफर्लिंग को आमतौर पर हिंदी में फहराना बोला जाता है, किंतु अनफर्लिंग का शाब्दिक अर्थ है फैलाना या खोलना। इसलिए फ्लैग अनफर्लिंग का अर्थ है कि जो झंडा पहले मोड़ा हुआ या लपेटा हुआ हो उसे खोलकर फहराना। कमाल की बात तो यह है कि सभी न्यूज चैनल्स भी 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग दिखाते हैं और 26 जनवरी को फ्लैग अनफर्लिंग। ये अलग अलग नाम वाला ट्रेंड कब से चल रहा है इसकी जानकारी हमें नहीं है। हमारे अनुसार इन दोनों ही दिनों पर फ्लैग होस्टिंग और फ्लैग अनफर्लिंग दोनों किए जाते हैं। पहले कोई सैन्य अधिकारी झंडे को बांधकर उसे रस्सी से ऊपर ले जाता है, जो अपने आप में फ्लैग होस्टिंग ही है, और जो सजीव प्रसारण हम सभी टीवी पर देखते हैं उसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति केवल रस्सी को खींचकर फ्लैग अनफर्लिंग करते हैं। 26 जनवरी को राष्ट्रपति फ्लैग अनफर्लिंग करते हैं और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री। दोनों ही अवसरों पर झंडा फहराने के बाद राष्ट्रगान अवश्य होता है। यदि आपको इस बारे में कोई ठोस जानकारी हो तो वह जानकारी कमेंट सेक्शन में अवश्य शेयर करें। कोई भी गलत जानकारी बिना वेरीफाई करे व्हाट्सएप जैसी जगहों पर यूं ही शेयर न करें। कुछ बातें पहली बार सुनने में काफी ज्ञान वाली लगती हैं, किंतु जब जांच पड़ताल करो तो ऐसा कुछ नहीं निकलता। इसलिए किसी भी बात पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। हमारी बात पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें, बल्कि पिछले कुछ सालों के 26 जनवरी और 15 अगस्त के वीडियोस देखें, जिनमें भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री झंडा फहरा रहे हैं। अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।